अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भीषण गर्मी और नहरबंदी होने के चलते आपड़ी योजना के पांडुसर उपखंड पर विभाग ने पेयजल भंडावण की व्यवस्था की। आपको बता दें कि आपड़ी योजना के पांडुसर उपखंड पर पेयजल भंडावण के लिए बड़ा डैम बना हुआ है, जो पानी से लबालब भरा है। इससे 32 से भी अधिक गांवों को जलापूर्ति होती है। कनिष्ठ अभियंता कृष्ण धारेवाल ने कहा कि भीषण गर्मी से निपटने के लिए विभाग के पास पेयजल के पुख्ता प्रबंध हैं। किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं आने दी जाएगी। पेयजल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। सर, एक्चुअली गर्मी के देखते हुए हमारी जो पानी की डिमांड है वो तो बड़ी है नॉर्मल दिनों की बाकी। पूर्ण नहरबंदी तो अपनी नहीं कह सकते, आंशिक नहरबंदी अभी चुनाव के चलते अभी तक चल रही है, और पानी की जो इंतज़ाम है वो अभी तक हमारे पास फुल है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है वो 200 ml है, 200 ml, और ये हमारे नॉर्मली डिमांड के हिसाब से बात करें तो 20 दिन का स्टोरेज है। यदि कम्प्लीट नहरबंदी होती है तो हमारे पास पुख्ता 20 दिनों के इंतज़ाम यहाँ है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक आंशिक नहरबंदी की है, और आंशिक नहरबंदी के चलते हुए हमने पूर्ण स्टोरेज अभी तक किया हुआ है, और जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं हमने सिंचाई विभाग यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करके उनके सहयोग से यहाँ किसानों की आसपास के जो प्राइवेट स्टोरेज हैं उनको भी फुल करवाया है, ताकि हमारे जो पानी की खपत है वो कम हो, और लोगों को बार बार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि गर्मी के दिनों में जो पानी है वो मित्रता से खर्च करें। और अभी हमारे पास इस उपखंड के जो पांडुसर उपखंड है, जो खंड कर्मशाना के अंतर्गत संचालित है, उसके अंदर 16 गांव हैं, वो तारानगर खंड के यहां से पानी की आपूर्ति होती है, और उपखंड पांडुसर के 16 गांव के करीबन हम यहां से पानी की आपूर्ति करा रहे हैं, यानी कुल मिला के 32 गांवों को आपकी भाषा में हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी एक दिन छोड़ के एक दिन नहरबंदी हमने पानी की आपूर्ति नहीं की है, रेगुलर जो आम दिनों की तरह आपूर्ति की जा रही है लोगों को, टैंकर की भी उचित व्यवस्था है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है गर्मी के दिनों में कि गर्मी के दिनों को देखते हुए लोगों को परेशानी झेलनी पड़े।